तो जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आया है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटीज़ निकल के आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। यह जो है हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है, जो कि 31/7/2024 को निकल के आया हुआ है, ठीक है। और देखिए इसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड दो तरह के पोस्ट आ चुकी है, एक लाइब्रेरी अटेंडेंट का आ गया है और एक लाइब्रेरी असिस्टेंट का आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो पोस्ट आया है नॉन टीचिंग का पोस्ट आ रखा है, ठीक है, जिसमें आपका क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट है जो 31/8 का है, और इसमें लास्ट डेट रिसीप्ट रखा गया प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑनलाइन 9/9/2024 तक रखा गया, ठीक है। मतलब इसको 31/8/2024 तक इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है, और बाकी को जो लास्ट जो प्रिंट करिएगा उसको हार्ड कॉपी को भेजने के लिए अगर होगा तो वो 9/9/2024 तक आप उसको कहीं सेंड कर सकते हैं, जहाँ इसको भेजना होगा एड्रेस दे रखा होगा, ठीक है। आइए इसमें अब देखते हैं कि इसका क्या है। नीचे आते हैं, यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा 11 नंबर और 15 नंबर में। देखिए दोस्तों, आप 11 नंबर देख सकते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट आ रखा है, जो कि लेवल सी का है ना, एक पोस्ट आया हुआ है। और यहाँ देखिए 15 नंबर में लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, जो कि लेवल सी का है, इसमें भी आपका एक पोस्ट रखा गया, ठीक है। अब देखिए जो एक पोस्ट आया हुआ है वो यहाँ पर देखिए, एक पोस्ट जो आया है लाइब्रेरी असिस्टेंट का और लाइब्रेरी अटेंडेंट का, तो यहाँ देखिएगा एक पोस्ट जो है एससी के लिए है और यहाँ एक पोस्ट आपका जनरल के लिए है, ठीक है। तो जो एससी वाले के लिए उसका सीट रिजर्व है, और जनरल वाले का उसमें सीट आप फाइट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, ठीक है। आगे देखते हैं नीचे क्या क्या ऐसे क्वालिफिकेशन है और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे आइए नीचे देखते हैं, नीचे देखिएगा और नीचे आते हैं। 11 नंबर पर जाना है हमको सीधा। 11 नंबर पर जाने के लिए देखिए सीधा स्क्रॉल करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे आइए। यहाँ देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट का यहाँ जो पोस्ट आ रखा है, जहाँ पे आपका लेवल 4 का सैलरी रहने वाला, जो कि स्टार्टिंग सैलरी आपका 25,500 से और लास्ट सैलरी आपका जो रहेगा 21,100 रहेगा। इसमें आपका जो असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कह रहा है आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रखा हो, किसमें, आपने लाइब्रेरी साइंस से, मतलब कि आपने बिलिस अगर कंप्लीट कर रखा है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फिर कह रहा है टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, मतलब एक मिनट में आपका 30 वर्ड आप टाइप कर लेना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। फिर कह रहा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपको DCA का या ADCA का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर खो सकता है या मांग सकता है। फिर कह रहा है नॉलेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश, कह रहा है नॉलेज ऑफ उर्दू और इंग्लिश इन रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब आपको उर्दू लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, इंग्लिश भी आपको लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए, उर्दू और इंग्लिश इसमें मैंडेटरी है। आपको ये अगर आता है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, और आपका एज जो है 30 साल से कम होना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्या, नीचे आते एक और पोस्ट आपका आया रखा है, जो कि लाइब्रेरी अटेंडेंट का है। यहाँ देखिएगा इसमें कह रहा है कि आपका लेवल वन का सैलरी रहने वाला है, जो कि आपको 18,000 शुरू होगा और 56,900 तक आपका सैलरी होने वाला है। इसमें आपका जो एज लिमिट है 30 साल, इसमें भी रखा गया है। और इसमें कह रहा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th+2 होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस, आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स रखा होना चाहिए, जो कि आपका सबसे जो लोअर सर्टिफिकेट होता है लाइब्रेरी साइंस में, आपका बिलिस का होता है, बिलिस सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। फिर इसमें भी कह रहा है क्या, नॉलेज ऑफ उर्दू इंग्लिश एंड रीडिंग, इसमें भी आपका नॉलेज होना चाहिए, किसमें, उर्दू और इंग्लिश में लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। फिर देखिए डिजायरेबल में कह रहा है क्या कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए और नॉलेज ऑफ हिंदी भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि जिनको अगर उर्दू बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है और बोलना नहीं आता है, वो उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, और नीचे आके देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा होगा रिजर्वेशन का, यहाँ नोटिफिकेशन दिया हुआ है क्या क्या इसमें लगने वाला है, ठीक है, वो सब आपको पढ़ लेना ढंग से। फिर आगे देखते हैं नीचे फॉर्म का कितना अप्लाई लगने वाला है। देखिए हाउ टू अप्लाई कह रहा है, अप्लाई करने का रहेगा आपको सिंपली ये इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नीचे आइए,
और क्या करा, आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन द प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अलोंग विद सेल्फ स्टेटस टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब कह रहा है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा देन उसके बाद आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी को इस एड्रेस पर सेंड करना है। ठीक है, एड्रेस आपका है द असिस्टेंट रजिस्ट्रार ER सेकेंड सेक्शन रूम नंबर 107 एडमिन बिल्डिंग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गौची बौली हैदराबाद 500032TS। ठीक है, ये आपका है और इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, आपको अपना पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ऊपर में लिख देना है और 9 तारीख के 5:30 बजे से पहले पहले क्या करना है, आपको उसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, फिर नीचे आइएगा, देखिए क्या कह रहा है कि इसमें डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब इसमें फ़ी कितना लगने वाला है, तो जो आपका पोस्ट ए का है उसके लिए 500, बी और सी के लिए 300 और बी एंड सी यहाँ पर जो SC ST PW में आते हैं उनके लिए 150 रखा गया और ऑल वुमेन कैंडिडेट के लिए क्या रखा गया है, एक्सटेम्प्ट, मतलब कि इसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, फिर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है इसका, जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, और देखिए उसमें इसमें कह रहा है कि जो आपका ये होने वाला है सिलेक्शन होने वाला है वो आपका मेरिट बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है मोड ऑफ सेलेक्शन, इसमें कह रहा था यूनिवर्सिटी में भी डिसाइडेड ऑन मेथड ऑफ एलिवेशन और परफॉर्मेंस कैंडिडेट थ्रू इंटरव्यू रिटेन टेस्ट स्किल टेस्ट। मतलब आपका पहले आपको कॉल जाएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर आपको वहाँ बुलाया जाएगा हैदराबाद में, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद आपको रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, देन आपके बाद उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बी एंड सी वाले के लिए क्या कह रहा है कि उसका क्या होगा, देयर शुड बी नो इंटरव्यू, जो बी एंड सी ग्रुप के जो भी पोस्ट हैं उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ उनका रिटेन टेस्ट होगा, बस उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपका सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगा। फिर कह रहा है जो आपको यहाँ से, मान लीजिए आप पटना से हैं या फिर दिल्ली से हैं या फिर कहीं से भी किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप जा रहे हैं हैदराबाद, ठीक है, तो हैदराबाद जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा जिस से भी आप जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, उसका फेयर टिकट आप रखिएगा, टिकट का जो भी टिकट रखेगा उसको टिकट का प्राइस उसको वहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको जाने में वहाँ पे खर्च हो रहा है 500 खर्च हो रहा है या फिर 1000 हो रहा है, आप सारे का टिकट रखिएगा, आपको वहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते सारे समझ में आएंगे दोस्तों, और फिर भी कोई दिक्कत होगी फॉर्म भरने का अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक फॉर्म भरा के डेमो दिखा दूंगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं वीडियो रोज़ लाते रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जितने भी लाइब्रेरियन दोस्त हैं सबको सेंड करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।